मलप्रा आगरा, हम आपके साथ सच के साथ, अब नहीं छुपेगा कोई अपराध। नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना। आगरा ग्वालियर रोड स्थित रोहता चौराहे पर राजस्थान से आए हुए दो परिवारों के द्वारा पीओपी से मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। ये मूर्तियां तैयार होकर घरों की शोभा बढ़ाती हैं। समय समय पर ये लोग भगवान गणेश सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाते हैं। इन लोगों का कहना है कि ये विभिन्न जगहों पर मूर्तियां बनाते हैं और अपने रिक्शे से गांव-गांव जाकर इनको बेचते हैं। इसी से अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। इस काम में लगभग इनको 35 वर्ष हो गए। ये लोग अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा नहीं पाते, क्योंकि इनका कहना है हमारा कोई ठिकाना नहीं है। आइए जानते हैं इन लोगों की राय क्या कहते हैं। हम ना मूल करते ना मूल आते, हर तरह की मूर्ति बनाते हैं। वैराटी उस बार वाह बंत रे भाषा। क्या नाम है आपका? हेमराज। कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान। अब ये कौन सी जगह है जहाँ पे आप काम कर रहे हो? ये रोहता इंटर कॉलेज। रोहता इंटर कॉलेज के ग्राउंड में किन किन की मूर्तियाँ बना रहे हो आप? गणपति की बनाते हैं, देवी मैया की बनाते हैं और लक्ष्मी गणेश की बनाते हैं। हाथी, घोड़ा, मोर, तोता, गमला, हर तो प्रकार की। इसमें कितना परिवार लगे हैं आपके? घर घर के ही है। आप लोग एक ही परिवार के लगे हुए तो आपके और साथी भी होंगे? इधर देखो पहले आप। इधर नहीं है साथी भी। इधर नहीं है? घर घर के। तो ये इन माल की सप्लाई कहाँ करते हो आप? गाँव में घूम फिर के। गांव में घूम घूम के सप्लाई करते हो? गणपति की मूर्ति तो यहीं लेने आते हैं। इसमें कितना लागत आ जाती है? और माता जी की मूर्ति यहीं लेने आते हैं। अच्छा, ये लागत क्या है? ये मजदूरी मिल जा रहा है। तो ये काय के बना रहे हो? किस किस कौन सी मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हो? इसमें सौक माटी आती है। सौक माटी और इसके अलावा? और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा भरत। भरत भाई, ये बताओ ये मूर्तियाँ आप कितने दिनों से बना रहे हो यहाँ पे? यहाँ 3 महीने हो गए। 3 महीने से रोहता इंटर कॉलेज के पास बना रहे हो? हाँ। इससे पहले कहाँ बनाते थे? पहले यहाँ बनाते थे, यहाँ संतोषी मुरादाबाद। मुरादाबाद। अच्छा, ये बताओ आप किन किन प्रकार की मूर्तियाँ बनाते हो? हमारे पास हर किस्म की मूर्तियाँ। जैसे कि नाम बताओ। शंकर भगवान की है, राधा कृष्ण की है, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, हाथी, मोर, गमले, कलश, घोड़े। अच्छा, इनको कहाँ सप्लाई करते हो आप? बस ये गांव में सप्लाई करते हैं। अच्छा, ये बताओ इन मूर्तियों से मैं किस कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करते हो आप? पीओपी। और इसके अलावा? इसके अलावा कुछ नहीं, पीओपी और पानी। अच्छा अच्छा, तो इसमें आप कितने लोग लगे हुए हैं इसमें? पूरी फैमिली है घर की। अच्छा, पूरा परिवार लगा हुआ है आपका? बच्चे बच्चे पढ़ने नहीं जाते आपके?
बच्चे कहाँ पढ़ने का, हमारे को टाइम नहीं तो बच्चे से कहाँ से पढ़ाएंगे बताओ, गरीब आदमी बड़े आदमी थोड़ी है क्या। नहीं तो बच्चों को तो पढ़ाना चाहिए ना, कितने बच्चे हैं आपके पास? छः सात बच्चे हैं। अब वो पढ़ते नहीं, उसी काम में लगे हुए? नहीं दो पढ़ते हैं, बाकी सब इसी काम में लगे हुए। वैसे मूल निवासी आप कहाँ के रहने वाले हो, इससे पहले कहाँ रहते थे? राजस्थान के। राजस्थान में कौन से जिले के रहने वाले हो? राजसमंद जिला। अच्छा अच्छा, वहाँ और भी परिवार होगा वहाँ आपका? हाँ है ना। वो भी यही काम करते हैं? वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये मूर्ति का काम आप कितने दिन से करने लगे? ये कम से कम हो गया 35 साल हो गया। 35 साल से आप मूर्ति बना रहे हैं? हर प्रकार की मूर्ति बनाते हैं?